अगर तेरे कमर ते दर्द आ और घुटनिया ते दर्द आ पठिया की खिच आ बहुत ही प्यारी रेमेडी आ बहुत ही प्यारी रेसिपी आ असी बना रहे हैं अज सूजी की पंजीरी जो कि बहुत ही फायदेमंद आ कमजोरी तो आ और अगर किसी के कमर ते दर्द रहती है या गोडिया ते दर्द रहती है और या पठिया खिच पई हुई आ बहुत ज़्यादा कमजोरी आ वीकनेस हुई आ और बहुत ही जबरदस्त पंजीरी आ। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम बिस्मिल्लाह दिया बरकता। एक किलो दूध लिया वा और एक पाव खोपरा लिया वा, ठीक है ना। खोपरे ने मैं कद्दूकस कर लिया सी, अच्छी तरह क्रश कर लेना वा और दूध उबाल लिया वा, अच्छी तरह बॉयल आ चुका वा दोनों, और खोपरा मैदे में ऐड कर लूँगी। अच्छी तरह तुसी ये अंदर पकाना वा दूध दे और चमचा बार बार हिलाना वा ताकि नीचे ना लगे, और भी बहुत सारिया चीज़ें ऐड करनिया वा। वीडियो में पूरा देखना वा, वीडियो का कोई भी पार्ट तुसी मिस नहीं करना। अगर मेरे चैनल पर नवे आ तो जल्दी ना जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और नाल ही बेल आइकन का बटन प्रेस कर दियो ताकि तुहानू हर आने वाली वीडियो मिल सके। अच्छा जी, अच्छी तरह पकाना वा यदी, पहले आप खीर बनावेंगे। अच्छी तरह खीर बनेगी यदी, बहुत ही ज़बरदस्त लगती है और सर्दियों में बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होंगी है। अच्छा, और भी ज़्यादा ये गहरा पन लेके आना वा और इनू पकावे अच्छी तरह। हल्की अग रखनी है, इन्नी ज़्यादा आँच नहीं करनी तुसी। अगर ज़्यादा अग पर पकाओगे तो नीचे लग जाएगी, और हल्की हल्की अग पर तुसी चम्मच बार बार हिलाते रहना वा। 10-15 मिनट लग जाते हैं इनू, और बहुत ही मज़ेदार यदा टेस्ट लगता वा और कमजोरी बहुत ही फायदेमंद है। अगर तेरे कमर से खिच पई रही है, कमर से दर्द रही है, कमजोरी बहुत ज़्यादा पठिया की है, तो जरूर आ बना के खाओ। अच्छा जी, और ये मैं देसी घी का इस्तेमाल करूँगी। अगर तेरे को ऑयल आ या घी है तो इस्तेमाल करना, बेशक वह कर लो। ये मैं ले आ सूजी, सूजी मैं हाफ कप लिया वा, इन्ना ज़्यादा भरिया हुआ कप नहीं सगा। अच्छी तरह भुन लेना वा मैं सूजी नूं, ये अच्छी तरह बुनाई करनी है सूजी की, और जो सूजी का कलर चेंज हो जाए बहुत ही प्यारी खुशबू आने लग जाए, तुसी समझ जाओ अच्छी तरह बुनाई हो चुकी आ। अगर जिद सिर पर बहुत ज़्यादा दर्द रहा होगा, बहुत ज़्यादा वीकनेस भी आ और कमजोरी भी बहुत ज़्यादा वा, तुसी इनू एक हफ्ते के इस्तेमाल करोगे ना, 3 दिन के अंदर अंदर तुम्हें यदा रिजल्ट मिल जाएगा। इंशाल्लाह तुम्हारी कमजोरी जी दर्द जरा दूर होने लग जाएगा। सूजी की अच्छी तरह बुनाई हो चुकी सी और बहुत ही प्यारा कलर आ गया सूजी का, और ये मैं ऐड कर लूँगी और अच्छी तरह मैं यदि खीर बना लेनी है। अच्छी तरह इनू मैं भून लेना वा, और ये मैं पा रही हूँ हाफ कप चीनी। चीनी अगर तुम ज़्यादा मिठा पसंद करते हैं तो तुम अपने टेस्ट के हिसाब न पा सकते हैं, और मैं ये हाफ कप चीनी पाई है, ठीक है ना। 10 मिनट मैं कवर कर दूंगी। अच्छा जी, हाँ देख लो 10 मिनट हो चुके हैं और बहुत ही मज़ेदार खोए की तरह बन गया वा। और इस टाइम तुसी पता की करना वा, अच्छी तरह यदि बुनाई करनी है, इनू खुश्क करना, बिल्कुल ही खुश्क करना वा, बहुत ज़्यादा ड्राई करना वा तुसी, ठीक है ना। अगर इदा दा रहेगा ना तो ख़राब हो जाएगा, इन्नी ज़्यादा दिन नहीं होएगा सही तो ख़राब हो जाएगा। अगर अच्छी तरह खुश किया होगा ना तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा, और तुसी इनू 1 महीना 2 महीना सेव रख सकते हैं और बना के रखना वा। जाहिर बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है इस, तो तुसी बुनाई अच्छी तरह करनी है, यानी कि इनू अच्छी तरह ड्राई करना वा। जिन्ना खुश्क होगा तुहाडे लई उन्ने ज़्यादा फायदेमंद होगा, और तुसी जिन्ना मर्जी इनू दिन रख के खा सकते हैं। 15 मिनट मैं होर इनू अच्छी तरह बुनाई करूँगी। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त रेडी हो चुकिया वा पंजीरी, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ज़बरदस्त आ। कमजोरी तो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद आ। अगर तुहाडे कमर ते घुटनिया ते दर्द रहती है, खिचाओ पिया होया पटिया नूं, ते तुसी इस्तेमाल करोगे तुहानूं बहुत ज़्यादा फायदा होगा। मेरे चैनल नूं सबसक्राइब कर दो और नाल ही बैल आइकन दा बटन प्रेस कर दियो, और तुसी इनू खाना किदा वा सुबह नूं खा सकदे आ, दोपहर नूं जदों तुहाडा दिल करे तुसी उदों खा सकदे। सिर्फ एक टाइम खाना वा, 2-4 चम्मच तुसी खा लेने आ। अपना बहुत सारा ख्याल रखियो, असी फिर मिलांगे नवें चस्के ते नवी रेसिपी दे नाल। ओके, अल्लाह हाफिज़।